हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज। तो अभी मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ और मेरे घर में कुछ बच्चे आए हैं और बहुत मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि दीदी लग गई सुबह सुबह वीडियो में। वो लोग को दिखा नहीं सकती हूँ बट हाँ। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नहाना तो हो गया, नहा धोवा ली हूँ। एंड चिक्की मतलब अभी वो साड़ी पहन रही, रुकिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए चिक्की को कैसे साड़ी पहनाया जा रहा है। चिक्की तुम साड़ी पहन रही है? चिक्की चिक्की, अरे वाह, देखो चिक्की दुल्हन बनेगी है। अरे 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 अरे, ये जूता में कौन साड़ी पहनता है? चिक्की पहनती है क्या? हाँ देखो कितना अच्छा से पहना दी रूही दीदी। वाह, प्लेट उलेट के साथ चिक्की साड़ी। चिक्की साड़ी अच्छा नहीं लगा? नहीं, आ आजा आजा। अरे तो दुल्हन बन गई। नहीं इसको साड़ी नहीं पहन, मुझे अभी दुल्हन बना दी। अब इसको गोदी ले लिया। बाय 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 चिक्की, बाय चिक्की, हंस रही है। एंड अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। मम्मी आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया। तो देखते हैं मम्मी क्या नाश्ता स्पेशल बनाई है। और गाइस आज हमारे घर कोई आने वाला है, मतलब कौन आने वाला है वो मेरे वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। चिक्की की तो बहुत फेवरेट है, मतलब चिक्की उसकी बहुत फेवरेट है, मतलब उसकी उसका जो भी कहें। तो चलिए देखिएगा आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक ज़रूर, और बने रहिए मेरे वीडियो में। रुकिए मैं चिक्की को दिखाती हूँ क्या नाश्ता में क्या। पराठा, भुजिया, सब्जी, आलू गोभी का मेरी फेवरेट भुजिया। चिक्की भी खाएगी, देखो चिक्की कैसे अब इसका रिएक्शन। चिक्की अरे खाना में नहीं आ रहे बेटा, ले रहे इसको निकाल। देखिए चिक्की भी खाने लगी। चिक्की सबसे पहले नाश्ता करेगी। कैसा लगा चिक्की? हाँ नहीं, इसको सब्जी भी खाना है। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, खा लेती हूँ। जाना ऊपर खेलना बेटा, ऊपर चलना खेलो, अभी नहीं पापा सोए हैं, दूध से आता है। चिक्की नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ यही स्माइल दिखाती है। अभी मतलब ये सोच रहे हैं ऐसा स्माइल देंगे ना तो मतलब मम्मी मेरे को सारा खाना दे देगी कि रोटी इधर उधर कर दो। और कौवा को देगी पूछते में, देखना बेटा क्रो किधर है, कैसे बोलता है को को। अभी नहीं बोलेगी, अभी इसका बिल्कुल ध्यान सिर्फ नाश्ते के प्लेट पे है मेरे। नहीं बोलेगी, मत बोलो, जा बाय चिक्की बाय। क्या करूँ मैं इस लड़की का, सुबह से मुझे परेशान कर रखी है। सुबह से इसको नीचे नहीं बैठना, अभी भी रो रही है। देखिए मेरा हुलिया देखिए कैसा हुआ है, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा सो रही है एक घंटा और फिर उठ के बैठ जाए, कहती है कि दिन भर मुझे गोदी में लो। वैसे अभी इसका तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से इतना परेशान कर रही है। क्या बेटा बोलो, हाय करो सबको, हाय करो। अरे इतना मोटा मोटा आंसू गिरा गिरा रो रही है। देखिए क्या हुआ, मम्मी कंगी ना करे, ऐसे ही पागल जैसा रहे। कौन आने वाला है सबको बताओ, तुम ऐसी गंदी रहोगी? हाँ चलो रेडी शेडी हो जाए, जाए मैं भी हो जाऊंगी, तुम भी हो जाओ। हाँ बैठो बैठो, सबको ई कर दे, कैसे करती है ई। बैठो बैठो यहाँ पे बैठो बैठो। हाँ बैठो, गोदी ही आएंगे। हाँ क्या बोलो, अब इसकी नानी आ गई। हाँ नानी को, अब नानी को कहेगी गोदी लो, मम्मी को बोलेगी गोदी लो। हाँ देखिए देखिए इस लड़की को थोड़ा चलने भी आ गया है, अब बड़े के हमको गोदी ले लो। हाँ देखिए नानी की तरफ कैसे बढ़ रही है, सुबह से परेशान कर रही है। हाँ हाँ चली जा, पूरा चली जा, तो नानी के पास चली जा। हाँ खुश, बाय 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 बाय। देखो दांत इसका पीछे दिखने लगा, बाय।
खड़ी हो गई। आ जा आ जा बेटा, आ जा। अभी थोड़ा ये लड़की हल्का समानी है। कैसे बजा बजा? हाँ बजा। शिव जी, बेचारी को थोड़ा जुखाम हो गया है, दांत भी आ रहा है, इसकी वजह से चिक्की परेशान है। और ओह नोजी आ गया। चुटू चुटू करो, छन छन कैसे बजाती? अरे 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 बजा 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 बजा। हाँ अरे 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 जोर से बजा बेटा, बजा। हाँ हाँ अले 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 अले। हाँ हाँ अरे वाह, चिक्की तो बजाती है। नदी साफ करते हैं, रुको ठीक है, खेलो खेलो बेटा। हाँ यहाँ पे मैं देखिए चिक्की थोड़ा सो गई है, तो मैं यहाँ पे थ्रेडिंग करवा रही हूँ। पहले मम्मी ने करवा लिया, फिर मैंने करवाया, क्योंकि मतलब हम लोग बाहर जाने वाले थे गाइस, बट ये सामने ही रहती हैं और अच्छा बना देती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, तो बट थी यहाँ पे, मम्मी ने पूछा तो वो थी, तो हम लोग फिर बाहर नहीं गए, यहीं पे करवा लिया। और बहुत ज़्यादा दर्द कर था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये तो मेरे ऊपर बहुत हंस रही थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था सच में। फाइनली मैं अभी बैठी हूँ थोड़ा सा गाइस, क्योंकि देखा आप लोगों ने, मैंने थ्रेडिंग करवा लिया है। मतलब मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, सोची मतलब ये सामने रहती है, ये भी अच्छा ही करती है, देखिए कैसा किया, आप लोग बताइएगा। पर बहुत ज़्यादा दर्द किया, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं क्या आप लोगों से बताऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द किया। पहले मम्मी ने करवा लिया, फिर मैं सोची चलो मैं भी करवा लेती हूँ, तो मैंने भी करवा लिया। इसको यहाँ पे देखिए, ना सोए हुए हो रहा है न जगे हुए, देखिए तुरंत अब जग भी गई। एंड ये देखिए नेट को लग रहा है कि तोड़ ही डालेगी, जगने के बाद ये पूरा ध्यान देना पड़ता है, और देखिए जग के पूरा खींचने लगती है इसको, बहुत ही अब मच्छर लग रहे हैं, तो मैं सो जाती है तो लगा देती हूँ, और यहाँ पे फिर से ये जग गई। एंड पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, मतलब ये ज़्यादा टाइम, मतलब जैसे 2-3 घंटा के लिए सोती थी वैसे सो नहीं रही है। परेशान है नहीं चिक्की? कोई नहीं, ठीक हो जाओगे जल्दी बेटा। तो हम लोग किसका वेट करें? ओह पूरा गाल में तेल लग गया चिक्की का, हमेशा लग जाता है, कोई बात नहीं। हाँ लगता है वो लोग आ गए जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई एंड आ गई। और बेट मैं दिखाती हूँ, हाँ रुको चिक्की चलो दिखाने चलते हैं, चलो चलो गेट पे चलते हैं, तो फिर मिस कर जाएंगे। चलो सो हे गाइस, तो आज मैं बनाने वाली हूँ, मतलब जो हमारे घर आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल, उसको बहुत पसंद है, मुझे ही पसंद है एंड मम्मी को भी अच्छा लगता है, तो सोचा कि चलो वो आ रही है तो मैं बना देती हूँ। तो मैंने बनाया है बट उसको बताया नहीं है, वो पूछ रही थी कि क्या बना है खाना में। आप लोग तो वैसे अभी कुछ पता चल गया होगा कि कौन आने वाला है, सो आप लोग पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं सोची थी कि चलो उसके लिए सरप्राइज़ करती हूँ। एंड चिक्की को देखिए यहाँ पे, इसका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बेचारी पूरा शांत है टोटली, और आज 24 घंटा पूरा मेरे गोदी में ऐसी रही है ये लड़की, क्या करूँ मैं बताइए पूरा। तो चलिए मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो में, मेरे बने रहिए कि मैंने क्या बनाया है स्पेशल, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग की साइड उसको क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा, हमारे साइड तो जो कहा जाता है, मैं जब उसको दिखाऊंगी आप लोगों को तो बताऊंगी कि क्या कहा जाता है। चलिए एंड आज अभी कितने बजे, 7:30 हो रहे हैं, पापा का नाइट ड्यूटी है, तो मैंने उनको पसंद नहीं है मेरे पापा को, तो मैंने उनके लिए पहले से भुजिया एंड रोटी बना दिया है, पत्ता गोभी भुजिया एंड रोटी। सो और वो अभी गए हैं उसको लाने के लिए। तो चलिए चिक्की, बहुत शांत है ना, तबीयत ख़राब है, ये तो ऐसे बहुत चंचल करती रहती है, कभी मुँह नोचेगी मेरा कभी गाल नोचेगी, जब से खड़ा होना सीख गई है उस टाइम तो कभी ऐसे गोदी में बैठ ही नहीं, बहुत दिनों बाद बैठ रही है ऐसे। क्या बेटा क्या हुआ चिक्की?
तो यहाँ पे देखिए चिक्की थोड़ा सा खेल रही है, उसको पापा लिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे मम्मी और हम दोनों मिलके जल्दी जल्दी से बना रहे हैं, नहीं तो वो उसका तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी थोड़ा जुकाम हो गया गाइस। तो मतलब क्या ही बोले, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती, देख रहे हैं ना, मतलब एनी टाइम कह रही कि मुझे गोदी में रखो, नहीं तो ऐसे वो खेलती रहती, इतना परेशान नहीं करती है, बट क्या करें बच्चे हैं, हो जाता है। एंड मौसम मौसम भी चेंज हो रहा है, सो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दाल पिट्ठी बना रहे हैं, बहुत लोग के घर दाल का दुल्हन भी बोलते हैं। तो मैं मम्मी से यहाँ पे बोल रही थी कि आटा इसका थोड़ा गीला हो गया है, ऐसे इसका आटा मतलब टाइट रहता है, तो उसे अच्छे से ये बेल के पूरी जैसा निकल जाता है, छोटा छोटा ऐसे गीला रहता है, तो बहुत ज़्यादा लूज आता है। देखिए पहले इतना बड़ा आटा को हम बेल लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ग्लास से कट करके बनाते हैं, बहुत लोग के घर बनता होगा ये, मुझे भी बहुत पसंद है एंड मेरी बहन लोग को भी है, बट पापा को नहीं है। सो यहाँ पे दाल में मसाला डालते हैं, लहसुन जीरा मतलब थोड़ा थोड़ा सब नहीं डाल के फिर बनाते हैं। हम लोग किस लिए तैयारी कर रहे हैं? मौसी के लिए। मैं तो बता दिया पहले आप लोगों से। हाँ गाइस, तो मेरी बहन आने वाली है और इसको ये बहुत पसंद है, सो मैं बना रही हूँ। और इसको हम लोग बोलते हैं दाल पिट्ठी, बहुत जगह दाल का दुल्हन भी बोला जाता है ना, मैं पर अभी हम लोग ये बना रहे हैं। और मैं वो हमसे पूछी है, बात कर रहे थे तो दाल चिपी दे रहा था मेरा, तो पूछी क्या बना रहे थे, बोले सब्जी बना रहे हैं, बोले प्रेशर कुकर, बोले हाँ बहुत खास रही थी। चिक्की चिक्की की मौसी आएगी। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा बिल्डिंग सजा हुआ है गाइस, मतलब पूरा एकदम वहाँ लंबा एकदम अंत से लेके और स्टार्टिंग, बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा बहुत प्यारा लग रहा था देखने में, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि मतलब हमारे ऊपर जुकाम इतना हो गया है ना कि मुझे बोला भी नहीं जा रहा है। वो क्या कहते हैं, मतलब ऊपर हमारे एक साउथ के अंकल हैं, उनके घर में शादी है, इस वजह से पूरा बिल्डिंग को ही उन्होंने सजा दिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फाइनली देखिए हमारे घर जो आने वाली थी, आप लोगों को तो पता चल गया क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था, तो मेरी बहन वो आ गई। एंड यहाँ पे इसका रिएक्शन देखिए, वो मैं चिक्की को ली हुई हूँ, वो उसी को देख के ऐसा कर रही थी कि जल्दी से मैं उसको कैसे भी ले लूँ, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ये करती है। देखिए अपना सामान खुद ही उसको लेना पड़ा क्योंकि मैं तो यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, तो बोले मैं ही लेके आऊँ, तो हम बोले लेके आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखिए चिक्की को मैं बोली कि पहले जाओ हाथ वगैरह तो धो, हंस रही थी। और यहाँ पे फाइनली उसको लेके बाहर की तरफ आ गई, इसके पास आ नहीं रही थी वो लास्ट में आप लोग देखिएगा कि वो किस हरकत से इसको अपने पास ली और लेके, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मतलब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मुंह में पोथी ले ली थी, उसके बाद कर रही थी। आप लोग वीडियो को एंड में देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को ये यहीं पर एंड करती हूँ, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड हाँ अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। देखिए यही सब तोरे पास जाता भी है, कहाँ है ना, तो जेबू ना करी थोड़ा, वो तरह का चमकिया चलती जाती है। कहाँ से खेलता है।